एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद सहारनपुर के ब्लॉक पंबारका में स्थित सुंदरहेड़ी गांव पड़ा। लगभग 4800 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान कुशल पाल हैं। लगभग 1900 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 477 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 45 हैंडपंप लगवाए गए हैं व विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 180 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व 27 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में खडंजे, सीसी टाइल्स रोड, तालाब, शमशान घाट, पुलिया, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी बनवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में सीसी टाइल्स रोड, पानी की टंकी, प्राथमिक विद्यालय में मरम्मत कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। सुंदरहेड़ी ब्लॉक पंबारका जिला सहारनपुर तहसील सहारनपुर, मैंने अपने गांव में विकास कराया है। इस विकास इस प्रकार है, 4 खडंजे और LED लाइट, सौर ऊर्जा लाइट के अंतर्गत 25 सड़कें और नाला सफाई और चक्रोड़ में मिट्टी डलवाई, 2 तालाब खुदवाए और 2 शमशान घाट बनाए, 1 SC का, 1 ठाकुर का और 2 नाले बनवाए। 1 नाला काफी समय से खुला पड़ा था, उस पर स्लेब डलवाए। 1 ट्रांसफार्मर था काफी दिनों से पुराना और नया डलवाया धरवाया। और मेरी प्रधान संगठन चैनल से रिक्वेस्ट है कि सरकार से मांग की जाए कि हमारे गांव संदलेड़ी में पानी को लेकर बहुत समस्या है, पानी बहुत ख़राब हो चुका है, काला और पीला पड़ गया है, जिससे बीमारियां अधिक बढ़ती जा रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारे गांव में टंकी का प्रस्ताव करके, टंकी